मिशन आत्मनिर्भर भारत के तहत कंटेनर निर्माण की दिशा में भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। दरअसल भारत गुजरात के भावनगर में कंटेनरों का निर्माण करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और मिशन को प्राप्त करने के लिए भारत को उत्तम गुणवत्ता वाले कंटेनरों की कमी को पूरा करने के लिए कंटेनरों के निर्माण में आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले कंटेनरों के निर्माण के लिए कॉटन 6 गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि उत्पादन में बढ़ोतरी और कंटेनरों की कमी से आयात निर्यात में हो रही देरी के चलते केंद्र सरकार गुजरात के भावनगर को कंटेनर हब के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत को हर साल लगभग 3.5 लाख कंटेनरों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में कोई कंटेनर उत्पादन नहीं होता है। हमें मुख्य रूप से चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कंटेनरों का एक मुख्य निर्माता है। अब हम गुजरात के भावनगर को कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं और हमने पायलट आधार पर इसके उत्पादन के लिए 10 स्थानों को चिन्हित किया है और पायलट परियोजना सफल रही है। मंत्री मंडाविया ने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान शिपिंग मंत्रालय ने भावनगर में कंटेनर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है। हमें उम्मीद है कि निजी कंपनियां इस स्थान पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।